असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। वसई विरार धीरे धीरे लाशों का डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है, जहां आए दिन अलग अलग जगहों पर लाशों के मिलने का सिलसिला समाप्त ही नहीं हो रहा। ऐसा ही एक ताजा मामला फिर सामने आया विरार पूर्व गुरुदत्त नाना नानी पार्क के पीछे व गणेश कॉम्प्लेक्स के पास का, जहां भरे पानी में एक 24-25 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। वहीं स्थानिकों द्वारा विरार पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर उसे एम्बुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने शव की शिनाख्त मदन संजाल के रूप में की है। मदन मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था और नालासोपारा पूर्व अचोले स्थित स्वागत बार एंड रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। मदन गुरुवार को रात 7:30 से 8 बजे के दरमियान पेट दर्द बताकर बार से छुट्टी लेकर निकला था और रात के 10 बजे के आसपास अचोले में अपने चाचा से मिला और उसके बाद उसे एक फोन आया और वो वहां से चला गया। क्या नाम है आपका? प्रेम राजेश। क्या कहना चाहते हो आप यहाँ पे स्वागत होटल में? कौन काम करता था? मेरा भतीजा है मदन संजल। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ क्या हुआ मालूम है, रात को 8:30 बजे वो यहाँ से निकला। कब की बात है? ये परसों, ये गुरुवार को शाम को। गुरुवार की शाम? शाम को। और उसी शाम को से गायब है, तो आज मिला हुआ पुलिस को डेड बॉडी, तो क्या कैसे हो, तो आप उनके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं। कौन कौन, कोई दोस्त वगैरह है उसके जिनके साथ वो कहीं जाता था? नहीं, दिन का नहीं है, लेकिन होटल का और तो एक दो लड़के का कहना है कि उसके साथ में कोई एक दोस्त था, उसके साथ ही मतलब खाना पीना उठना बैठना था, तो वो आदमी से मतलब ज्यादा ये था, तो उसका ये 8 बजे यहाँ से जाने के बाद, तो वो आदमी ने 10 बजे हमारे पास पहुंचा और 11 बजे एक आदमी कोई उसका मतलब फ्रेंड का कॉल आया हुआ है, वो 11 बजे वहां से निकला और 11 बजे निकलने के बाद वो उसके बाद हमारे को मिला नहीं है। हमारे को शौक है कि जो 11 बजे जिसका आदमी का कॉल आया हुआ है, तो उसके ऊपर शौक है कि 11 बजे कॉल आने के बाद हमारा आदमी गायब हुआ है। आप कोई बंदा बता रहे थे जो पहले रोजाना उसका जो यहाँ पे जो होटल में आके खाना बैठना, कभी उसके पास पैसा नहीं रहता तो उसका मतलब बिल पे कर देना और जहाँ पे वो सर्विस करता है वहाँ पे जाके बैठना, वो प्रदीप नाम का एक आदमी बोल के आया हुआ है, तो वो लोग ये लोग बता नहीं रहे अभी पूरा, तो उसी के ऊपर मतलब क्या इंक्वायरी भी किया जाए कि मतलब कौन आदमी है, क्या क्या बातचीत हुआ उसके बारे में। ये मिसिंग हुए थे तब से जी, वो आदमी आना भी यहाँ पे बंद हुआ है, जो जो ये जिस फोन नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं, उसके बाद नहीं है हमारे पास। और होटल में भी इंक्वायरी किया, बोला वो कारी कस्टमर के हम लोग हिसाब से जानते हैं, पर ये हमारे साथ कोई ऐसे कॉन्टेक्ट नहीं करते, वो लोग बता रहे। तब से मदन लापता था, जिसका शव विरार पूर्व स्थित नाना नानी पार्क के पीछे पानी में तैरता मिला। आज हम मौजूद है नाना नानी पार्क के पास, जहाँ पर एक गड्ढे में एक 25 वर्षीय बच्चे की बॉडी मिली थी, और हम बात करते हैं यहाँ के रहवासी से कि क्या मामला था। मामा, आपका नाम? तुकाराम गवे। गवे साहब, बॉडी जो मिली क्या मामला था और पुलिस को किस तरीके से पता चला कि यहाँ पर बॉडी मिली है करके? मामला तो अपन जानते नहीं, लेकिन पुलिस को इधर पब्लिक जमा होने के बाद पुलिस को मालूम पड़ा। पुलिस को मालूम पड़ा क्या? उसके उसकी जेब से आधार कार्ड पैन कार्ड या कुछ सब डॉक्यूमेंट्स निकले थे? पार्टी में आधार कार्ड पैन कार्ड पैसा वीसा सब कुछ मिला। उसका कोई परिवार यहाँ पर आया था, मौजूद थे उसके परिवार वाले? परिवार भी कोई नहीं। पुलिस ने बॉडी को लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? एम्बुलेंस से। फायर ब्रिगेड आया, फायर ब्रिगेड ने निकाला, फायर ब्रिगेड वाले ने निकाला, फिर वो तलाश करने के बाद उसके जेब में पॉकेट मिला, वो पॉकेट से जो कौन सीनियर साहब था उसने देखा तो सब आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ पैसा वीसा था उसमें। अब सवाल उठता है कि मदन को वो आखिरी फोन किसका आया था, उसका मोबाइल फोन आखिर कहाँ है, और ये हत्या है या कुछ और? इन सारे सवालों के जवाब विरार पुलिस जांच के बाद ही बताएगी। विरार से तारिक शेख की एक रिपोर्ट। जिसने मेरी हर सुबह को बनाया खास और मेरा हर पल साथ दिया,
वो है ब्लैक मस्ती कड़क चाय। कभी कभी तेरा साथ बेमतलब दुनिया से बेहतर है। हर पल एक नई ताजगी का एहसास, हर दिन को बनाए मैजिकल। ब्लैक मस्ती कड़क चाय, एक कप चाय जिंदगी के नाम।